हेलो स्टूडेंट्स, आज आपर मैथ्र एग्जाम थिला आ आशा करूची आज एग्जाम समस्ते भल करेंगे किंतु एबे आमे आमर नेक्स्ट एग्जाम बायोलॉजी उपरे फोकस करिबा। जेमिति कि आपण माने तो जानिथिबे जे आपण मानकर बायोलॉजी एग्जाम 11 मार्च 2024 रे अछि, तो आपण मानक हाथरे आउ मात्र 3 रु 4 दिन टाइम अछि आमर बायोलॉजी पई। आउ एई वीडियो रे मु आपणकु कहिबि जे केमिति आपण एही 3 रु 4 दिन टाइम कु मैनेज करिवे आमर बायोलॉजी पई। आउ केमिति आपण एही 3 रु 4 दिन टाइम कु मैनेज करले बायोलॉजी रो संपूर्ण सिलेबस कु कवर करने सहित बायोलॉजी रे 2 रु 3 थर रिविजन करिपारिबे। ए सबु विषय रे मु आपनकु एही वीडियो रे कहिबि, तो वीडियो टिकु एंड पर्यंत पूरा देखंतु। एइटा होछ आमर बायोलॉजी रो यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। एठी मु आपनकु देइ देइछि जे आमर बायोलॉजी रे को यूनिट रु केते मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। बायोलॉजी रे आमर टोटल 5टा यूनिट अछि, एठी आपण देखि परथिबे। आ बायोलॉजी रे आमर यूनिट 1 रिप्रोडक्शन रु 16 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। आ आमर यूनिट 2 जेनेटिक एंड इवोल्यूशन रु 20 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। आ बायोलॉजी रे आमर यूनिट 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर रु 12 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। आ बायोलॉजी रे आमर यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन रु 12 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। आ बायोलॉजी रे आमर लास्ट यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट रु 10 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। आ बायोलॉजी रे आमर टोटल मार्क होउछि 70 आमर थ्योरी पई। आ जेहेतु बायोलॉजी रे आमर 2टा पार्ट अछि, तो सेथिपई आमर बॉटनी पार्ट आसिबो 35 मार्क्स क्वेश्चन। आ बायोलॉजी रे आमर जूलॉजी पार्ट आसिबो 35 मार्क्स क्वेश्चन। आ आपण एठी जो बायोलॉजी रो 5टा यूनिट को देखुछन्ती, बायोलॉजी रे आमर एही 5टा यूनिट अंडर रे टोटल 14टा चैप्टर आसुछि, जोथिरु कि 7टा चैप्टर होउछि आमर बॉटनी पार्ट रु, आ 7टा चैप्टर होउछि आमर जूलॉजी पार्ट रु। आ एटा होउछि आमर बायोलॉजी रो बॉटनी पार्ट रो चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। एठी मु आपनकु देइ देइछि आमर बॉटनी रे जेतिकि चैप्टर अछि सेथिरे आमर को चैप्टर रु केते मार्क्स रो क्वेश्चन आसे, आपण यार स्क्रीनशॉट नै जानतु। बॉटनी रे आमर टोटल 7टा चैप्टर अछि। आ आमर चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट रु 5 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। बॉटनी रे आमर सेकेंड चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बॉटनी रे आमर थर्ड चैप्टर मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आमर एही 2टा चैप्टर रु मिसिकि 11 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। बॉटनी रे आमर चैप्टर 4 माइक्रोसिन ह्यूमन वेलफेयर रु 6 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। बॉटनी रे आमर चैप्टर 5 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन रु 6 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। बॉटनी रे आमर चैप्टर 6 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बॉटनी रे आमर लास्ट चैप्टर चैप्टर 7 इकोसिस्टम। आमर एही 2टा चैप्टर रु मिसिकि 7 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। बॉटनी पार्ट रे आमर टोटल 35 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। एटा थिला आमर बायोलॉजी रो बॉटनी पार्ट रो चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। आपण यार स्क्रीनशॉट नै जानतु। एबे आमे आमर बायोलॉजी रो सेकंड पार्ट जूलॉजी रो चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन विषय देखिबा। एटा होछ आमर जूलॉजी रो चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। एठी भलसे देखंतु, जूलॉजी रे आमर टोटल 7टा चैप्टर अछि, एठी आपण देखि परथिबे। आ जूलॉजी रे आमर चैप्टर 1 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आ जूलॉजी रे आमर चैप्टर 2 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आमर एही 2टा चैप्टर रु मिसिकि 11 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। आ जूलॉजी रे आमर चैप्टर 3 सेक्स डिटरमिनेशन। आ आमर चैप्टर 4 इवोल्यूशन। आमर एही 2टा चैप्टर रु मिसिकि 9 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। आ जूलॉजी रे आमर चैप्टर 5 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस रु 6 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। आ जूलॉजी रे आमर चैप्टर 6 बायोटेक्नोलॉजी रो प्रिंसिपल आ प्रोसेस रु 6 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। आ बायोलॉजी रे आमर लास्ट चैप्टर चैप्टर 7 बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन रु 3 मार्क्स क्वेश्चन आसिबो आमर एग्जाम रे। बस एटा थिला आमर जूलॉजी रो चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। आ जूलॉजी रे आमर फुल मार्क होउछि 35। आपण यार स्क्रीनशॉट नै जानतु। बस एटा थिला आमर बॉटनी आ जूलॉजी रो चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। आ एग्जाक्ट आपणकर एही अनुसार ही क्वेश्चन आसिबो एग्जाम रे। एबे आमे आमर बायोलॉजी रो क्वेश्चन पैटर्न देखिबा। आपणकर बायोलॉजी रो जो एग्जाम हबो सेटा आपणकर 2टा सेक्शन रे हबो। बायोलॉजी एग्जाम रे आपणकर फर्स्ट सेक्शन होउछि बॉटनी, आ एटा होउछि आमर बॉटनी रो क्वेश्चन पैटर्न। आपण यार स्क्रीनशॉट नै जानतु। आ बायोलॉजी एग्जाम रे आपणकर सेकंड सेक्शन होउछि जूलॉजी, आ एटा होउछि आमर जूलॉजी रो क्वेश्चन पैटर्न। आपण यार स्क्रीनशॉट नै जानतु। आपणकर बायोलॉजी रो जो एग्जाम हबो
ସେଥିରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ବଟାନୀର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଜୁଲୋଜିର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବଟାନୀର ଏକ୍ଜାମ 10:00 AM ରୁ 11:30 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15-20 ମିନିଟ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳିବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ ପାଇଁ ବା ଆମର ଜୁଲୋଜିର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲୋଜିର ଏକ୍ଜାମ 11:50 AM ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର 1:20 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ବୁଝିସାରିଥିବେ ଯେ କେମିତି ଆପଣ ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ 4 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେ 4 ଦିନ ଟାଇମ୍କୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ଆମର ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ। ଆମର ବାୟୋଲୋଜିରେ ଟୋଟାଲ 14 ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟୋଲୋଜିରେ 60+ ମାର୍କ ଆଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିରେ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର 11 March 2024ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜିର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମର ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର 7 March 2024 ହେଉଛି ଆମର Day 1 ଆଉ ଆମର 8 March 2024 ହେଉଛି ଆମର Day 2। ଆମର 9 March 2024 ହେଉଛି ଆମର Day 3 ଆଉ ଆମର 10 March 2024 ହେଉଛି ଆମର Day 4। ବାସ୍ ଏହି 4 ଦିନ ଟାଇମ୍ ବଳୁଛି ଆମର ବାୟୋଲୋଜିର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ଆମର Day 1 ଆଉ Day 2ର ଟାଇମ୍କୁ ଆପଣ ଏହିଭଳି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ। ଆମର ଏହି 2 ଦିନର ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମର ବଟାନୀର ଏହି 3ଟା ଚାପ୍ଟରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ଆଉ ଆମର ଜୁଲୋଜିର ଏହି 4ଟା ଚାପ୍ଟରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ଆମର ଏହି 2 ଦିନର ଟାଇମ୍ ଭିତରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜିରେ ଟୋଟାଲ 14ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର Day 1 ଆଉ Day 2ର ଟାଇମ୍କୁ ଏହି 7ଟା ଚାପ୍ଟର ପିଛା ଲଗାଇବେ ଆଉ ନିଜର Day 3 ଆଉ Day 4ର ଟାଇମ୍କୁ ଆମର ଏହି 7ଟା ଚାପ୍ଟର ପିଛା ଲଗାଇବେ। ଏଠି ଆମର ବଟାନୀର 4ଟା ଚାପ୍ଟର ରହୁଛି ଆଉ ଜୁଲୋଜିର ଲାଷ୍ଟ 3ଟା ଚାପ୍ଟର ରହୁଛି। ବାସ୍ ଏହିଭଳି ଆପଣ ନିଜର Day 1 Day 2 Day 3 ଆଉ Day 4ର ଟାଇମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ଆମର ବଟାନୀ ଆଉ ଜୁଲୋଜି ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବଟାନୀ ଆଉ ଜୁଲୋଜିର ପୁରା ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ବାୟୋଲୋଜି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ୟାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ପିଛା ଟିକିଏ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବାୟୋଲୋଜିରେ ଆମର 50+ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ର ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏହି ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍କୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଆପଣ ବାୟୋଲୋଜିରେ ନିଜର ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଏ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ରୁ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିରେ ଆମର ବଟାନୀ ଆଉ ଜୁଲୋଜିର କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କେତେ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଲେଖିବେ ବା ଆମର କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କେତେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବେ ସେସବୁର ମଧ୍ୟ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାର୍କ ଏଥିପାଇଁ ବି କଟିପାରେ। ବା ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ଆମର ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ। ବା ସେତିକି ରହିବ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।